हाय गाइस, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पिटारा। और आज हम बनाने वाले एक डिजिटल लॉकर सिस्टम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको डिजिटल लॉकर बनाने के लिए क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको चाहिए होगा एक आर्डिनो ऊनो कुछ इस तरह वाला, और एक सर्वो मोटर चाहिए होगी कुछ इस तरह वाली। तो ये सर्वो मोटर हमारी मिनी सर्वो है, और इसमें जो सबसे छोटा और वन हैंड वाला जो हमारा उसके ऊपर जो रोटर लगता है, जो इस पर लगता है, वो चाहिए होगा हमें एक लॉकर सिस्टम बनाने के लिए। और हमें एक फाइनली जो लास्ट चीज़ चाहिए होगी जिससे हम हमारा पासवर्ड डाल पाएंगे, वो होगा एक कीपैड कुछ इस तरह वाला। और ये जो है आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे सारे कंपोनेंट्स। ये 4x4 का आर्डिनो है, तो हम 4x3 आई मीन आर्डिनो क्या सॉरी कीपैड है, और ये आप 4x3 वाला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ। तो इसमें ये ABCD वाली कॉलम नहीं होती, और ये काफ़ी लॉकर्स में यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ, या पहले हम सर्किट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी सर्किट है जो मैंने टिंकर कैड पे बनाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कोड भी इसमें डाला हुआ है। ये एक सिम्युलेटर है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे को काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे कुछ तकलीफ पड़ती है हमें थोड़ी बहुत, पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली जब हमको पता होता है आउटपुट क्या है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ सिम्युलेशन करते हैं। और कितनी गाइडेंस में भी होते हैं हम हमारे सर से याद है यार, अगर आपको हमारे जैसी ये सारी चीज़ें सीखनी है, कोडिंग और रोबोट ट्रिक्स, आर्डिनो, ये सब, सी लैंग्वेज सीखनी हो या जावा सीखनी हो, C++, तो आपको जहाँ से मैंने सीखी है वो है रोबोट ट्रिक्स इंडिया। तो थैंक्स टू देम फॉर टीचिंग मी दिस। तो रोबोट ट्रिक्स इंडिया एक इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, जो आपको बहुत ही अच्छी रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाता है। मैंने भी वहीं से सीखी है, एंड आई पर्सनली रिकमेंड यू टू गो देयर। तो उसकी जो लिंक है, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब डिस्क्रिप्शन में यार, और उनका गूगल मैप्स का भी लोकेशन मैं दे दूंगा। तो प्लीज़ जाके वो भी आप देख लेना, काफ़ी अच्छी, अगर आपको ये सब सीखना है तो ये सिखाते हैं। और अभी सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं होते, तो पहले हम देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने हमारे आर्डिनो की रो पिंस को 9 to 6 डिजिटल पिंस में लिया है। रो वन इज़ ऑन 9 एंड द लास्ट रो पिन, दैट इज़ रो 4, इज़ ऑन द 6th पिन। ये 4x4 वाला है, यहाँ पे भी 4x4 ही अवेलेबल था, इसलिए मैंने इसकी जो कॉलम 4 है वो कोई भी पिन से अटैच नहीं की है। बात करें कॉलम्स की, तो 5, 2, 3 में आपकी ये तीनों कॉलम्स आ जाएंगी। 5 इज द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम इज़ दी थर्ड पिन, डिजिटल पिन्स है। और सर्वो को भी हमने क्या बोलते हैं, सर्वो को भी हमने 10 नंबर की पिन पे लिया है, और बाकी इनको ग्राउंड ऑफ 5 वोल्ट्स दिया है। इसमें ग्राउंड ऑफ 5 वोल्ट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा वायरिंग डायग्राम, जो आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो गाइस, वेबसाइट का लिंक भी है, और डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ज्वाइन कर लेना आप सब। अब चलते हैं, बात करेंगे अब हम कोड की। तो कोड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा कोड, और ये जो कोड है हमारा वो आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये जो कोड है, इसमें हम लोग ने पहले हमारी कीपैड लाइब्रेरी ली है, और एक सर्वो लाइब्रेरी लेनी है, फिर मैंने एक सर्वो पिन डिफाइन की है, और ये सर्वो ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग ने दो क्या बोलते हैं एरेज और स्ट्रिंग्स लिया है,
और उन एरे स्ट्रिंग्स किया एक पूरा ये बनाया हमने, इसका थिंक हम एरे कहेंगे, और यहाँ पे हमने उनकी पिंस डिफाइन की एरे स्ट्रिंग्स की। ये पूरा एक टाइप ऑफ एक इमेज, इसको पता चलता है कि ये, हाँ यहाँ पे हमने मैप किया है पूरा इसको, और ये हमारी एरे और स्ट्रिंग्स हैं। और यहाँ पे हमने कीपैड को पूरा जो है, जहाँ पे ये हमने यहाँ पे एरे बनाया और उसको यहाँ पे मैप कर दिया वापस, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो हमने सर्वो को 180 पे पहले ही डिफाइन कर दिया, ताकि जब भी लॉकर पावर पे आए तो वो लॉक्ड ही रहे। फिर यहाँ पे हमने और कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स लिए, ताकि हम यहाँ तो ये कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स लिए, ये हमारा एरे है और ये हमारे स्ट्रिंग्स है, ताकि हम इसमें पासवर्ड सेव कर सकें। और ये हमारा पासवर्ड है 1234। फिर यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर की है, हमारी की एरे है, उसको हमने कीपैड डॉट गेट की के फंक्शन से उसका डेटा लिया है। और फिर यहाँ पे हम जब तक की चार कीज प्रेस नहीं होती, तब तक ये डेटा लेता रहता है, और फिर उसको प्रोसेस करके अगर ये एक्स जो है हमारा पासवर्ड है वो इसके बराबर आता है कैरेक्टर्स में, तो यहाँ पे हमको दिखाएगा वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स पिटारा। वेरेज अगर नहीं होता है तो रॉन्ग पासवर्ड रीट्राई। और अगर हमको ये डोर को लॉक करना है हमारा सामान निकाल के, तो आप डाल सकते हैं एक हैशटैग की, तो हैशटैग की से भी हो जाएगा, और अगर रॉन्ग पासवर्ड आया तो वो वहीं पे लॉक्ड रहेगा। तो ये था हमारा कोड, और अब जो है हम प्रैक्टिकल्स पे चलते हैं, मतलब हम हमारा बनाते हैं। तो हमने बना तो लिया है, हमने एक बॉक्स लिया है बड़ा सारा, उसके अंदर हमने पूरी वायरिंग करके फिट किया है, और हमने यहाँ दो छेद किए हैं एक साइड और एक साइड पे, वो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने इसको लिया है यहाँ से, और गाइज कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी मेरी खराब है, तो ये हमारा बॉक्स है। यहाँ पे मैंने एक छेद किया था, यहाँ पे एक बड़ी सर्वो लगाने की थी, और हमने अब इसके यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे आप छेद ना करें तो भी चलेगा, तो अगर आपकी बड़ी सर्वो है तो आपको यहीं पे करना होगा। और यहाँ पे मैंने एक छेद किया जहां से मैं अपने वायर निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे एक बजर भी फिट कर सकता हूँ। और यहाँ से एक और छेद है जहां से मेरा वायरिंग केबल जा रहा है, जो आप पीछे से भी ले जा सकते हैं। और ये मैंने इसको थोड़ा पेंट किया है, काफी बड़ा बॉक्स है। और यहाँ पे मैंने अपना आर्डिनो फिट कर रखा है, और ये हमारा बजर है, पर बजर को अभी हमने इस पे सेटअप नहीं कर रखा है, बजर ऐसे ही लगा रखा है। एक्चुअली इसमें बजर इनबिल्ट आया था, और बाकी तो कोई, इसको आप कहीं यूजेस ले सकते हैं, जैसे इसमें आप इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे अपने कार्ड होल्डर भी लगा सकते हैं। तो इसको एक बार अगर आपने ये बॉक्स लिया है और इसको बना दिया है, तो टेंशन मत कीजिए आपके कितने प्रोजेक्ट्स में हो जाएंगे, और मैं आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लाता रहूंगा। तो यार उसके लिए आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है हमारी चैनल को, लाइक करना, और आगे बढ़ते हैं। और इसका वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो गाइज हमारा जो इसका भी आउटपुट होगा वो हमारे सीरियल मॉनिटर पे आएगा, और यहाँ से हमारी सर्वो जो है अभी अनलॉक स्टेज पे, जैसे ही मैं इसको पावर दूंगा वापस ये लॉक स्टेज पे आ जाएगी, और फिर हम यहाँ से हमारा पासवर्ड डाल पाएंगे। तो गाइज उसके लिए भी चलते हैं हम आगे। सो गाइज मैंने इसको पावर कर दिया है, और अब ये हमारा यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सीरियल मॉनिटर भी खुला है, तो सबसे पहले अगर मैं हैशटैग की दबाता हूँ तो यहाँ पे आता है डोर लॉक, ऑलरेडी वो लॉक था। अब मैं मेरा पासवर्ड डाल रहा हूँ, और मैंने अभी वापस अपना पासवर्ड डालना है। और मैं आपको जैसे ही मेरा सीरियल मॉनिटर पे आता है, गाइस कितनी बार क्या होता है वो ढंग से प्रेस नहीं होता, और यहाँ पे हमारा प्रेस हो गया है, और यहाँ पे आ गया जो थोड़ी बार रॉन्ग आया, उसके बाद आया 1234 वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स पिटारा। और यहाँ पे हमारा ये डोर खुल गया है, और ये हमारा अंदर, हमने एक इससे केबल भी ज्वाइन कर रखी है इसे, और अब हम हमारा प्रीशियस एसी का रिमोट अंदर डाल देते हैं।
बाय बाय एसी का रिमोट, और इसको अब हम जाके, अच्छा गाइस इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो नहीं होगा और वो आपका हो सकता है बिगड़ भी, मैं लॉक ना हो अच्छे से। और मैंने यहाँ लॉक कर दिया, और ये देख सकते कितना टाइट बॉन्ड है इसका, थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि इसका आर्मर जो है, थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि इसका आर्मर थोड़ा जो है, इसका जो लेंथ है इसका आगे का आर्म वो थोड़ा सा लूज है। तो गाइज ये था हमारा कीपैड लॉकर सिस्टम, और कोड वोड सब कुछ मेरी साइट और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ रोबोटिक्स का होगा, और यहाँ पे डाल सक देख सकते हैं वेल डोर लॉक, और वो सिर्फ साइट पे होगा कोड वोड, और रोबोटिक्स इंडिया का डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मैं यहाँ रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ना #456, थोड़ा सा इसमें कुछ एरर वैल्यूज आती रहती है, पर हमारा है रॉन्ग पासवर्ड रिट्राई। तो ये था हमारा आज का बॉक्स, आई मीन आज का लॉकर, डिजिटल लॉकर सिस्टम। तो होप करता आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज, यार इतनी मेहनत करते हैं। तो बाय गाइज, और गाइज इस वीडियो का लाइक एम है 15 लाइक्स, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।